अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। विमेंस अलायंस अगेंस्ट एनपीआर ने सिटी पुलिस पर सीए एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज को कुचलने का इल्जाम आयद किया और कहा कि जमहूरी हकूक को खत्म किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खवातीन जहदकारों के सिंधिया, विमला, सारा मैथ्यूज, रफिया नौशीन, आर्यस मलकोटे और दूसरों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो रियासत भर में पुरअमन एहतजाज में मदाखलत करने से पुलिस को बाज रखे और एहतजाजियों के खिलाफ आयद मुकदमात को फुल फोर वापस ले। इन खवातीन ने कहा कि रियासती हुकूमत को एनपीआर के बारे में अपना मौकफ वाज़े करना चाहिए, क्योंकि रियासत में 1 अप्रैल से मर्दमशुमारी के नाम पर एनपीआर के अमल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह मर्दमशुमारी करने वालों को कोई मालूमात फराहम न करें बल्कि उन्हें वापस जाने को कह दें, क्योंकि मर्दमशुमारी में पूछे गए सवाल के जवाब को एनपीआर में शामिल किया जाएगा और इसी की बुनियाद पर एनआरसी होगा। इन जहदकारों ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी का निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज के तमाम कमजोर तबकात, खासकर दलित और माशी तौर पर पसमानदा तबकात हैं। मरकजी हुकूमत अवामी एहतजाज के पेश नज़र मरदुम शुमारी के नाम से एनपीआर को रूबेमन ला रही है। इन खवातीन ने आइंदा माह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को हैदराबाद में मुआफिक सीए रैली करने की इजाज़त देने पर पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया और कहा कि पुलिस जब मुखालिफ सीए एहतजाज की इजाज़त नहीं देती तो फिर वो मुआफिक सीए रैली को किस तरह इजाज़त दे सकती है। जियागढ़ में जेएसएम की तरफ से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात उगादी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। टीआरएस के मुकामी कारपोरेटर एम कृष्णा ने अपने डिवीजन के एरिया सभा मेंबरों और वार्ड मेंबरों के इजलास में ये बात बताई। उन्होंने आवाम से अपील की कि डबल बेडरूम मकानात के लिए किसी भी दरमियानी आदमी के झांसे में न आए बल्कि जिला कलेक्टर के पास रास्त अपनी दरखास्त दाखिल करें। एम कृष्णा ने तरदीद की कि उन्होंने किसी से पैसों के अवज मकानात अलाट करने का वादा किया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ऐलान किया है कि 15 मार्च को हैदराबाद में बीजेपी के जलसे की पुलिस की जानिब से इजाजत न देने पर उनकी पार्टी अदालत से रुजू होगी। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस और मजलिस सीए के मामले में आवाम में गलतफहमियां पैदा कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी को जलसा मुनक़िद करना जरूरी हो गया है। इस जलसे से मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि मुआफिक सीए जलसा बहर सूरत होकर रहेगा और उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बहादुरपुरे के मजलिस रुकन असेंबली मौजम खान ने आज जहानुमा और नवाबसा कुंटा डिवीजन में ड्रेन बॉक्स की तामीर के काम का मायना किया। जहानुमा के काम पर 52 लाख और नवाबसा कुंटे में काम पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा और नवाबसा कुंटा के नुमाइंदा कारपोरेटर एम ए हन्नान और मजलिस की कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमराह थी। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट के कमर्शियल कॉलोनी में LIC की मुस्तकिल इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि LIC की पॉलिसियों से आवाम को फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने किसानों के बीमे की स्कीम शुरू की और इसके लिए LIC का ही इंतखाब किया है। इस स्कीम के तहत हर किसान का 5 लाख रुपए का बीमा करवाया गया है और उसकी मौत पर उसके विरसा को अंदरून 1 हफ्ता यह रकम दे दी जाएगी। रियासती हुकूमत ऑटो ड्राइवरों के लिए भी ऐसी स्कीम शुरू करने पर गौर कर रही है। जिला कलेक्टर पी वेंकट राम रेड्डी ने भी इस तकरीब से खिताब किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन राजा नरसू, AMC चेयरमैन पालासाई, जोनल मैनेजर LIC मणियप्पा और सरकर्दा नुमाइंदा सावित्री रामाराव को वजीर फाइनेंस के हाथों मोमेंटो पेश किया गया। साबिक कायद अपोजिशन कानूनसाज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने हैदराबाद के 127 शहरियों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नोटिस की जराई पर शदीद तनकीद की और आधार कार्ड जारी करने वाले इदारे पर अकबी दरवाजे से NPR को रोबेमन लाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में NPR की इजाजत दे दी है और ये NPR NRC का तसलसल होगा। मर्दमशुमारी के नाम पर जो तफसीलात तलब की जा रही हैं वो NPR का हिस्सा होंगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो असम्बली में CA के साथ साथ NPR और NRC के खिलाफ करारदाद मंजूर करें। शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क की 8 रियासतों ने CA की मुखालिफत में करारदादें मंजूर की हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में सिर्फ इसकी मुखालिफत की है और मरकज से इस पर नजरसानी की अपील की। शब्बीर अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी
اور چیف منسٹر کے سکرا پر سی اے کے موضوع پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ بیرسٹر ویسی کرناٹک، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں شاہین باغ بنانے کی اپیل کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے شہر حیدرآباد میں شاہین باغ کیوں نہیں بناتے؟ بیرسٹر ویسی عوام بالخصوص خواتین کے احتجاج سے خائف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ شہر حیدرآباد میں کوئی نئی قیادت ابھر کر آئے۔ شبیر علی نے تجویز پیش کی کہ اگر اتنا ہی ہے تو بیرسٹر ویسی خود احتجاج کی قیادت کرے اور مخالف سی اے احتجاج کا سہرا اپنے سر باندھ لیں۔ مسلمانوں اور مسلم تنظیموں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ ریاستی حکومت برقی کی شرحوں میں اضافہ پر غور کر رہی ہے، لیکن اس سے قبل ہی محکمہ برقی بورڈ نے غیر ملانہ طور پر فی یونٹ 1.5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کو برقی کے عدم استعمال کی صورت میں بھی اقل ترین برقی کی بل ادا کرنی ہوگی۔ 50 یونٹ تک کے برقی کے استعمال پر 1.45 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس پر گزشتہ چند ماہ سے عمل بھی ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صارفین نے بل پر نظر نہیں ڈالی ہو۔ بلدی انتخابات کے پیش نظر برقی کی شرحوں میں اضافے کے منصوبے کو مورز التوا میں رکھا گیا تھا اور اب اس کا بہت جلد باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے 27 افراد کو نوٹس دی تھی کہ وہ آج بالاپور کے ایک شادی خانے میں حاضر ہو اور اپنے دستاویزات پیش کریں، لیکن صحافتی گوشوں میں یہ خبر عام ہونے اور عوام کے شدید رد عمل کے نتیجے میں آج ہونے والی تحقیقات کو منسوخ کر دیا گیا۔ آدھار جاری کرنے والے ادارے نے کہا کہ 127 افراد کو اب ماہ مئی میں طلب کیا جائے گا اور آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ عوامی برہمی کے باوجود یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے چالاکی کے ساتھ اس مسئلے کو فی الوقت دبا دیا ہے، تاہم اس نے نوٹسوں کو واپس نہیں لیا۔ اسی دوران ایک ایڈوکیٹ محمد سہیل ملک نے بتایا کہ ریاستی ہائی کورٹ نے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کو ایک نوٹس جاری کی ہے جس میں ان سے اس مسئلے پر جواب طلب کیا ہے۔ محمد سہیل نے کہا کہ اس ادارے کو شہریوں کی شہریت سے متعلق سوال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے 24 فروری سے شروع ہونے والے پٹنہ پرگتی پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور تمام بلدیات سے تفصیلات طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر وارڈ کے لیے ایک نوڈل آفیسر مقرر کیا جائے گا اور 15 رکنی 4 کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو تمام بلدی وارڈز اور ڈویژن میں بلدیہ کے ترقی کے کاموں پر نظر رکھیں گے۔ ان کاموں میں صاف صفائی، ہریتا ہرم پروگرام، کمیونٹی ٹوائلٹس کی تعمیر، شمشان گھاٹوں کی نگہداشت، ویجیٹیبل مارکیٹ، پلے گراؤنڈ اور پارک کی تعمیر شامل ہے۔ ناخندہ افراد کے بارے میں بھی خصوصی سروے کروایا جائے گا اور اس کے حساب سے تعلیمی پروگرام مرتب کیا جائے گا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس مقصد سے جی ایس ایم سی کو 156 کروڑ روپے اور تمام دوسری بلدیات کے لیے 140 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار، ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اروند کمار اور دوسرے دیدار اس پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لینے اضلاع کا دورہ کریں گے۔ سی اے کے خلاف عوامی احتجاج کو سبوتاج کرنے بی جے پی کی ایک اور کوشش آج ثابت ہو گئی۔ سی اے کے خلاف بنگلور میں آج منعقدہ جلسے میں ایک لڑکی نے، جس کی شناخت امولیا کی حیثیت سے کی گئی، اسٹیج پر آ کر بھارت زندہ باد کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ان کے لیے بھارت زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ بیرسٹر اویسی نے فوری اس لڑکی کے پاس سے مائک چھین لیا اور جلسے کے منتظمین اور پولیس نے بھی اس لڑکی کو اسٹیج سے ہٹا دیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نہ تو ان کا اور نہ ہی ان کی پارٹی کا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس لڑکی کو مدعو کیا گیا ہے تو وہ جلسے میں شرکت ہی نہیں کرتے۔ اسی دوران جنتا دل یو کے کارپوریٹر اکرم پاشا نے کہا کہ جلسے کو سبوتاج کرنے اور سی اے کے خلاف احتجاج کو بدنام کرنے کے لیے بی جے پی نے اپنے خاتون کارکن کا استعمال کیا ہے۔ نارزون کی پولیس ٹاسک فورس نے توجہ ہٹا کر بینکوں کے پاس لوگوں کو لوٹ لینے والی ایک بین ریاستی ٹولی کو بے نقاب کیا ہے۔ اس ضمن میں 2 افراد جی تھلا سندر اور اکولا کو گرفتار کیا ہے۔ چتور کے موزے کپم سے تعلق رکھنے والے دونوں افراد
तेलंगाना और कर्नाटक में 8 केसों में मुलविस थे। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि मुजरिमीन के कब्जे से 9,40,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिल, 2 सेलफोन और दूसरी अशिया जब्त की गई। इंस्पेक्टर पुलिस के नागेश्वर राव ने अपनी टीम के साथ इन्हें गिरफ्तार करके अंबरपेट पुलिस के हवाले किया। कांग्रेस के लीडर के श्रीनिवास ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 390वीं जयंती के मौके पर सैदाबाद में हालात को मुकद्दर करने की कोशिशों की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि भाग्यनगर प्रजाहित कमेटी ने कल इश्तिहार लंगेज नारे लगाए और बीजेपी के लीडर रघुनंदन ने नफरत पर मुबनी तकारी की, जिससे माहौल खराब हुआ। श्रीनिवास ने पुलिस सैदाबाद में सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई और जुलूस निकालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर में आज सुबह केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस के एक लारी से टकरा जाने के नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। ये बस बेंगलुरु से एर्नाकुलम जा रही थी। केरला के वजीर ट्रांसपोर्ट AK शशिधरन ने बताया कि बस में 48 मुसाफिरीन सवार थे और उनमें से बेशतर का ताल्लुक रियासत केरला से था। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पार्टी हेडक्वार्टर की एक प्रेस मीट में हमेशा की तरह TRS पार्टी पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि अरसे दराज से TRS हुकूमत सिर्फ दिखावे के चौंचले करती आ रही है, ना किसानों को बरकी सही सरबरा की जा रही है और ना ही शहरों में इसका सही इंतज़ाम है। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स भी एकदम फेल साबित हुई हैं। कुछ लोगों को छोड़कर सारी रियासत अभी ज़बरदस्त बहरान से गुजर रही है। और तो और, कई इलेक्शन जीत लेने के बावजूद भी रियासत में सरकारी अहदेदारों के लिए अभी तक पे रिविजन कमीशन पर अमल आवरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से आम आवाम के साथ साथ सैकड़ों सरकारी अहदेदार भी परेशान हाल जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। तेलंगाना के वजीरी टूरिज्म V. श्रीनिवास गौड़ ने आज एक इजलास में बतलाया कि तेलंगाना स्टेट एविएशन कॉरपोरेशन के इश्तराक से टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 3 चौपर टूरिज्म पैकेज का अहतमाम किया है, जिसमें भगवान के चहीते लोग अब ऊपर से मिड मनेर प्रोजेक्ट के तहत वेमुलवाड़ा के राजा राजेश्वरी टेम्पल का दर्शन कर सकेंगे। 3 पैकेजेस में शामिल रहेंगे वेमुलवाड़ा से वेमुलवाड़ा के लिए 3,000 का टिकट, मिड मनेर डैम के ऊपर वाली फ्लाई के लिए 5,500 का चार्ज रखा गया है और हैदराबाद तक वेमुलवाड़ा के लिए फी भगवान के चहीते के लिए 30,000 का टिकट रखा गया है। माउंट के वजीर KTR ने इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर राइड्स के साथ साथ खसूसी बसेस के इंतजाम के लिए भी अहकाम जारी किए हैं। शी एम्पावर वुमेन्स कन्क्लेव अवार्ड्स फंक्शन 2020 का इनेकाद आज शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अमल में लाया गया। इस मौके पर DRDO की डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम्स डॉक्टर टेजी थॉमस ने वहां मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह किया और खवातीन की तारीफों के पुल बांध दिए और IG लाइन ऑर्डर स्वाति लाकड़ा की मिसालें पेश की कि किस तरह वो आदमियों की गलतियों को सुधारती आई हैं, और बतलाया कि ठीक इसी तरह से इस दुनिया में सिन्फ नाजुक गलतियों को सुधारने के लिए आई हैं, और यह भी समझाने की कोशिश की कि ख्वातीन कभी गलतियां करती ही नहीं हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के साबिका CM चंद्रबाबू नायडू, जो कौमी सतह पर आने की जबरदस्त कोशिशों में मसरूफ हैं, हालिया उनके मुकाबले रियासत में जीत हासिल कर लेने वाली YSRCP ने अभी इनकी जेड सिक्योरिटी में कमी कर देने का फैसला किया है। वहां के DGP ने बतलाया है कि सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी के कहने के मुताबिक ऐसा किया गया है। अभी NSD की जानिब से इनकी सिक्योरिटी में आंध्र प्रदेश में 183 अहदेदार उनके निगरानकार हैं और 48 हैदराबाद शहर के लिए मुख्तस हैं। लिहाजा सिक्योरिटी की कमी के फैसले पर बहुत सारे TDP लीडर्स ने इसे सियासी दुश्मनी करार दिया है। शहर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन की क्यादत में आज GHMC की स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास रखा गया, जिसमें बाइत्तेफाक राय 3 रेजोल्यूशंस को पास कर दिया गया। उस इजलास में कमिश्नर DS लोकेश कुमार के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, कई आला सतही अहदेदार वगैरह ने भी शिरकत की।
हमारे माहौल में आइसक्रीम की चाहत हमेशा मुसलमा रही है और खास तौर पर गर्मा में तो लोग उसे दूर से ही देखकर अपनी प्यास बुझा लेने की कोशिश करते हैं। यूं तो हमारे मुल्क में सैकड़ों आइसक्रीम कंपनीज रवा दवा हैं, लेकिन शहर हैदराबाद के हाफिज बाबानगर इलाके में चलाई जाने वाली एक मुनफरिद डार्लिस फैंसी क्लासिक आइसक्रीम पिछले 40 सालों से खामोश तरीके से इस कारोबार को वसत देते हुए अवाम में जिंदा है। अभी इस कंपनी की जानिब से एक नई ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया गया और इफ्तिताही मौके पर बतलाया गया है कि कुछ अरसे तक इस कंपनी के सभी आइसक्रीम्स पर कई ऑफर्स रखे गए हैं। तो फिर चलिए, देर किस बात की है, गर्मा शुरू हो गया है ना। जीएचएमसी के इतला के बमोजिब आज शहर के मेयर बी राममोहन ने कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार और सारे कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में मुनाकिदा इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर मेडल हासिल करने वाले शहर हैदराबाद के अलीबाद प्लेग्राउंड के खिलाड़ी किक बॉक्सर एम परवीन को बधाई दी है। इस मौके पर बतलाया गया है कि इनके कोच एम महिपाल से एक इंटरव्यू के दौरान ये बात सामने आई कि उन मुकाबले जात में करीब 10 ममालिक के 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और किक बॉक्सिंग में मेडल हैदराबाद के हिस्से में आ गया। टीआरएस गवर्नमेंट ने जिले कामारेड्डी के हल्के असेंबली बांसवाड़ा में वाक़ मांजरा नदी के दो चेक डैम्स के लिए अभी रकम जारी कर दी है जो कि 50 करोड़ के करीब मुतवक्को है। स्पीकर असेंबली पोजारम सीमास रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि कुछ ही हफ्तों में इनका सारा काम तकमील पा जाएगा, जिनकी बिना पर खुर्ब ज्वार के सभी किसानों के सारे मसाइल फौरन हल हो जाएंगे। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरा राजन ने आज गच्चीबौली के इलाके नानकराम गोड़ा में एहतमाम किए गए एक मुनफरिद मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उसका इफ्तिताह किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने अपने खून के अतियजात जमा करवाए। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्राइन गुट्टा हैदराबाद, सेल 9966930824 या 9391326261।